ولا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. आदरणीय यो पाँचौँ वार्षिक कार्यक्रम नौ ज्योति इंग्लिश स्कूल को प्रिंसिपल तथा प्रधानाध्यापक जी, यहाँ का हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षक जीहरु, विद्यार्थी जीहरु र आज को यो फंक्शन कमिटी को निम्ति स्वीकार पाल्नु भएको पाहुनाहरु, हाम्रो यो जल्दो बल्दो विद्यार्थीहरुको अभिभावकहरु, हाम्रो दिदी बहिनी र पत्रकार बन्धुहरु, सुरुदेखि म यो प्रोग्राममा छु, यो प्रोग्रामको कार्यक्रम हेरेर मलाई अति नै खुसी लाग्यो। त्यो म उच्चारण गर्नको लागि मैले तपाईँहरूलाई नेपालीमा सम्बोधित गरेँ, अब म आफ्नो कुरा छोटकरीमा सर्टकटमा भन्नको लागि म तपाईँलाई धेरै दुःख दिन चाहन्न, उर्दूमा दुई तिनवटा शब्द भनेर म तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। हाम्रो काबिल कदर प्रिंसिपल साहब, सरफराज भाई वगैरह, हमारे सामने जो तशी फरमा है मस्जिद हजरत उलमाए कराम, देखिए क्या है कि आदमी जब वो मुसीबत में फंस जाए तो उसमें आसान मुसीबत को इख्तियार करना पड़ता है और आदमी को हमेशा कहाँ है लोग हिम्मत दिलाना चाहिए। हमारे अंदर बहुत बड़ी खराबी ये है कि जैसे इन्होंने हमें बताया कि इसका आगाज, इसकी शुरुआत 70 बच्चे से हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 300 बच्चे हैं। इस वक्त हालात का तकाजा है कि आदमी इस बदलते हुए हालात में जिस तरीके से इन लोगों ने मेहनत की है, जिसमें इन्होंने हमें अपनी बात के दरमियान में जो प्रिंसिपल थे उन्होंने स्पीच के दरमियान में ये बताया कि कदम कदम पे हमें चैलेंज का भी शिकार भी हुआ, कठिनाइयों का परेशानी भी जो हुई, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आपने उन चैलेंजों का मुकाबला किया और आज आप यहाँ इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि आपके पास में 300 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ आपके इस संगम वाले स्कूल के अंदर, जिसमें दीनी तालीम भी दुनियावी तालीम भी हालत हाजरा को सामने रख कर के आपने जो यहाँ तक कामयाबी हासिल की है ये बहुत ही सराहनीय है, काबिल सताइश है और अपने को तंग दिल से नहीं बल्कि उसे कलबे से काम लेना चाहिए। और कोई कहे न कहे मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मैं आपको दाद देता हूँ और मैं भी इसको पसंद करता हूँ कि वक्त का तकाजा है कि इस जैसे बोर्डिंग स्कूल और ज़्यादा हो। और मैं ये कहता हूँ कि इसमें बिना भेदभाव जिस तरीके से आपने हर समुदाय के लिहाज करते हुए जो तालीम दे रहे हैं, अफसोस की बात है अभी लोग तड़प रहे हैं। मैं बनारस में पढ़ा रहा था, 150 हरिजन के बच्चे थे हमारे उर्दू मीडियम से वो तालीम हासिल करते थे और अभी देख लीजिए हमारे नेपाल के अंदर भी लोग अरबी पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए ट्यूशन पढ़ते हैं। इसलिए कि आप लोगों को मालूम है कि कई लाख नेपाली अभी गल्फ कंट्री के अंदर रोजगार के लिए गया हुआ है और उसके लिए अरबी उर्दू अनिवार्य हो गया और यह इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही है। अभी एक बच्ची ने इंग्लिश में जो है वो जो लेक्चर जो दिया मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, मैं तकरीर नहीं, मैं ये कहता हूँ आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए
कि ए मेरे जाबाज खिलाड़ी खींचे जा तू अपनी गाड़ी, काम जहां में कुछ तो कर जा, काम ही करते करते मर जा, राह में कुछ शैतान मिलेंगे उनका दामन थाम ले लेना, देगी तुमको राह पहाड़ी, खींचे जा तू अपनी गाड़ी। आप अपनी हिम्मत को पस्त नहीं कीजिए, काम आप जो है करते जाइए इंशाअल्लाह। ये तो हम लोगों का जुमला है कि दामे दर में कदमे सुखने, हम आपके ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे जो साहस, मुझे जो हौसला मिला है इंशाअल्लाह, आज जिस फील्ड में, जिस मैदान में काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरी अनथक कोशिश रहेगी कि मैं आपको पैसे नहीं बल्कि आपका जो मेटेरियल है उसके जरिए से मैं आपका जो है ताउन जो करूँ। बहुत ही खुशी की बात है।